अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू पीके। आज ज़रा आपने थंबनेल देख ली होगा कि क्या किस चीज़ की हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। ज़रा कंटेंट से डिफरेंट कह लें, क्योंकि मेरा बाइक्स कंटेंट है और आज ज़रा गाड़ी, और गाड़ी भी सुपर कार ही है। तो चलें फ़िलहाल आप इसकी देखें वीडियो, तो मिलते हैं वीडियो के बाद। जी तो गाइस, ये है गाड़ी, 1979 मॉडल है और लाहौर का नंबर है। और अगर इसकी हम बॉडी की बात करें तो बाहर से गाड़ी शावर्ड है फॉर फ्रेश लुक, क्योंकि आप खुद सोचेंगे 1979 मॉडल है और इस कलर फेड ही हो सकता है। बीम्स इसकी ओरिजिनल लगी हुई है, कंपनी फिटेड, और ग्रिल वगैरह इसकी ओरिजिनल है। आप देख सकते हैं 1979 वाली जो ग्रिल आती थी, और लाहौर का नंबर है गाड़ी का, नया नंबर लगा हुआ है। और बम्पर फ्रंट आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल पेंट में है और ओरिजिनल है मेटल में। फ्रंट इसके इंडिकेटर्स भी ओरिजिनल है, लेकिन जो साइड वाले और बैक वाले हैं लाइट्स हैं वो कवर नहीं लगे हुए हैं। इसके अलावा फेड आप देख सकते हैं, फ्रेश पेंट हुआ है क्योंकि अभी ज़रा फेड फेड है। और ये जो फ्रंट पे वाइपर आते थे, ये भी इसके ओरिजिनल सिल्वर कलर में होते थे, वो लगे हुए। अभी स्टिकर AMG वाला ओरिजिनल नहीं है, ये तो ऐसे ही डेकोरेशन टाइप है। फ्रंट पे इसकी जो स्क्रीन है ये भी ओरिजिनल है। और इसके अलावा डोर ओपनर आप देख सकते हैं, शुरू में ये आते थे 1979 में, मेटल के होते थे और ऐसे इस टाइप के होते थे, और काफ़ी अच्छे हैं। बॉडी गाड़ी की बहुत अच्छी है, मतलब पोटीन वगैरह कहीं पर भी नहीं लगी हुई। इसके अलावा इसका जो टायर है, ये इसके ओरिजिनल टायर्स हैं, मतलब टायर शायद चेंज हुए हों, ड्रम और रिम ओरिजिनल है। इसका आम उससे ज़्यादा ड्रम भी चेंज होता है, छोटा ड्रम होता है इस पर, आम बड़ा टायर जनरल वाले जो होते हैं वो नहीं लग सकते, ड्रम चेंज करने पड़ेंगे। इसके अलावा बैक पे इसका जो टप है ये मेटल का नया लगा हुआ है, मतलब जो नॉर्मल लोडिंग के लिए लगता है। बाकी बैक आप लोग देख सकते हैं काफ़ी प्यारी है, और ये ज़रा स्टिकर वगैरह डेकोरेशन के लिए लगे हुए हैं। इसके अलावा इसका वेट आप देख सकते हैं, ये ज़रा कम इस पर लिखा हुआ है। इसके अलावा इसकी ढोलकी है, ये मतलब इसकी ओरिजिनल है, अभी तक आप देख सकते हैं मैली भी नहीं हुई, मतलब ऑयल शॉयल भी इसमें नहीं है इतना। बैटरी वाली जो जगह है वो इसकी ज़रा पीछे होती थी, ये मुझे अब पता लगा है, मतलब आज कल वाली ज़रा आगे होती है। इसके अलावा गाड़ी के अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी ओरिजिनल उसमें है, मतलब कमानियों की बात करें तो ओरिजिनल फिटिंग में, अभी ऊपर नीचे गाड़ी नहीं हुई हुई। और इसके अलावा आपको मैं गाड़ी को अंदर से दिखाता हूँ, एक्सटीरियर सॉरी इंटीरियर आप देख सकते हैं। इसकी जो सीट्स हैं ये ओरिजिनल लेदर उसमें आती थी और अभी तक ओरिजिनल फोम में है, ब्राउन कलर की बहुत प्यारी सीट्स हैं वैसे। और इंटीरियर की बात करें तो आप देख सकते हैं, मतलब ये डैशबोर्ड इसका ओरिजिनल है, स्पीडोमीटर वगैरह सब कुछ गेजेस वर्किंग में हैं। और अंदर से आप देख सकते हैं स्टिकर्स वगैरह इसके ओरिजिनल हैं, और अंदर से गाड़ी ओरिजिनल पेंट में अपने बाहर से सिर्फ फ्रेश लुक के लिए शावर्ड हुई। और इसका आप गियर लीवर भी देख, क्या इसे कहेंगे, मतलब ये भी आप देख लें, मतलब फुल ओरिजिनल उसमें है। इसकी आपको मैं आवाज़ सुनाता हूँ, अभी तक इसका इंजन खुला हुआ नहीं है, इसका कंपनी फिटेड इंजन है, अभी तक मतलब खुला हुआ नहीं है, और जो चलाएगा उसको पता लग जाएगा कि किस में। फर्श इसके ज़रा रफ हैं क्योंकि इट्स अ 79 मॉडल। और ये यहाँ से इसकी लाइट्स ऑन होती हैं, और वैसे बस ये है गाड़ी, लाइट्स मैंने ऑन की हैं, आप देख सकते हैं कैसी लाइट्स हैं। और इसके अलावा नीचे इसके पार्किंग नीचे होती हैं, और जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो साइड पे होते हैं। तो अब इसके साउंड की तरफ चलते हैं, आपको एक बात बता दूं, इसकी जो ढोलकी है और इसका साउंड, मतलब ओरिजिनल कंपनी फिटेड इंजन और कंपनी पैक, मतलब सील्ड इंजन है इसका, अभी तक खुला हुआ नहीं है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं साउंड की तरफ। वैसे बॉडी का यहीं से अंदाज़ा हो जाता है, ये गाइज़। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी जैसे कि आपने देखी। तो मैं ये कुछ चीज़ें दिखाना आपको भूल गया हूँ, जैसे ये ओरिजिनल स्टिकर्स लगे हुए हैं, और मतलब ये डोर ओपनर इनका आप देख सकते हैं किस टाइप का होता है इसका। तो इसके अलावा 37,000, मतलब या 137 है या 37 कुछ चली भी है गाड़ी। गाड़ी अपनी फुल ओरिजिनल कंडीशन में है, सिर्फ फ्रेश लुक के लिए शावर हुई हुई है, और अभी वो भी गाड़ी ज़रा मैली हुई है, वरना इसका कलर काफ़ी साफ़ है। इसके अलावा
अब ये जिनके पास है भी ना, वो यूज़ करते हैं इसको लोडिंग के लिए, ना मतलब जो लेगा वो उम्मीद है यूज़ करेगा, क्योंकि काफ़ी एंटीक है और अभी तक इसका जो इंजन है वो ओपन नहीं हुआ, मतलब खुला ही नहीं है इंजन, ओरिजिनल सील्स में ओरिजिनल उसमें इंजन है। तो इसके अलावा इसकी जो डिमांड है वो 6.5 लाख है, तो लेने वाले फिर ले सकते हैं। तो डिमांड ये है, नेगोशिएबल है, जो लेना चाहता है वो ओनर से रब्ता कर ले, डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर है। तो इसके अलावा ये जो ओनर है वो यूरो 2 जो सुजुकी हमारी आजकल आ रही है पिकअप रावी, उसको ओपन चैलेंज है इससे। और ये बात है भी सही, जैसे कि हम सब जानते हैं 2-स्ट्रोक काफ़ी तेज़ होता है वो गाड़ी हो या बाइक को, तो इसके अलावा वो उसको चैलेंज करते हैं भाई उससे तेज़ है। तो इसके अलावा ये थी वीडियो आज की, अगर आप लेना चाहते हैं गाड़ी या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, संभार में गाड़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।